हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द माउस. प्लीज ओपन योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ योर स्पेक ब्लूम बुक, विच इज मोर अबाउट द माउस. दो यू हैव लर्नड अबाउट द माउस इन योर ऑनलाइन क्लास, बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू द थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर विच इज देयर इन योर बुक. हेयर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉट इज माउस. माउस क्या है, माउस पैड, माउस पॉइंटर, टाइप्स ऑफ माउस, फंक्शंस ऑफ अ माउस एंड टच पैड इन अ लैपटॉप. यू ऑल हैव सीन द लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप इन योर कंप्यूटर लैब इन आवर स्कूल, राइट? So just imagine those and understand ki what is mouse. Mouse is an input device. Last time I have explained you what are the input devices and what are the output devices. So computer mein jo bhi devices hote hain usme se jo mouse hai wo ek input device hai, which looks similar to the real mouse. Ek रियल माउस, असली माउस की तरह वो मिलता जुलता लगता है क्योंकि उसमें टेल होती है. इसलिए इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड हैज़ द टेल विच इज़ अटैच टू द CPU. वो छोटा होता है और उसमें एक टेल होती है जो कि CPU से अटैच्ड होता है. वी यूज़ अ माउस टू. अब माउस का काम क्या है? टेल वाले माउस पहले आते थे, आजकल ब्लूटूथ वाले माउस भी अवेलेबल हैं. आप लोगों के पास कुछ के पास होंगे जो डायरेक्टली लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाते हैं या ब्लूटूथ से भी चलते हैं. सो अब बहुत टाइप के माउस आते हैं, बट बेसिकली जो माउस होता था उसमें ऐसी एक टेल होती थी, सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता था एंड लेफ्ट बटन राइट बटन होते थे और इसको हम माउस पैड पर रखते थे उसको यूज़ करने के लिए. नाउ माउस का फंक्शन क्या है? वी यूज़ माउस टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. माउस को हम मूव करके ऐसे स्क्रीन का जो पॉइंटर या कर्सर है वो हम मूव कर सकते हैं. वी कैन सिलेक्ट एंड पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर. हमें मॉनिटर पे कोई भी चीज़ पॉइंट करनी है, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो हम वो माउस की हेल्प से कर सकते हैं. इवन वी कैन प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माउस. हम जब MS पेंट पे कुछ ड्रॉ कर रहे हों, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या हम गेम खेल रहे हों, तो भी हम माउस की हेल्प से उसको कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज माउस पैड? अब माउस पैड क्या है? दिस इज ऑल अबाउट माउस. माउस पैड क्या है? जो माउस के नीचे हम एक स्क्वायर सा रखते हैं, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज माउस पैड. द पैड ऑन विच वी मूव द माउस, जिस पे हम माउस को मूव करते हैं. लाइक दिस इज़ द माउस, नीचे ग्रीन वाला जो है, दिस हैज़ बीन लेबल्ड एज माउस पैड. हम माउस को जब ऐसे मूव करते हैं उसके ऊपर, तो द थिंग ऑन विच वी मूव द माउस इज नोन एज माउस पैड. माउस पॉइंटर. अब माउस पॉइंटर क्या होता है? द स्लैंट एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. जब आप माउस को यूज़ करेंगे एंड यू विल सी ऑन द मॉनिटर और ऑन द स्क्रीन, एक आपको स्लैंट सा एरो दिखता है, दैट इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. ऐसा एरो दिखता है विच इज़ नोन एज द माउस पॉइंटर. अब माउस कितने टाइप के होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो ब्लूटूथ माउस भी आ गए हैं, तो इनिशियली जो माउस थे उसमें 3-4 तरीके के माउस थे. उसके बारे में अभी आपके बुक में जो है वो हम पढ़ेंगे. द ओल्डेस्ट वन वॉज द बॉल माउस, जिसके नीचे एक बॉल लगी होती थी. इट हैज़ अ बॉल अंडर इट. इसके नीचे एक बॉल लगी होती थी. दिस बॉल हेल्प्स टू मूव द माउस पॉइंटर. इस बॉल की हेल्प से हम माउस के पॉइंटर को हम मूव, जब हम हिलाते थे बॉल ऐसे रोटेट होती थी उसके अंदर और
उसके कारण हम जो भी पॉइंटर है उसको मूव कर पाते हैं। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट। तो उसमें जो है वो लाइट के यूज़ से हम उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। इट यूजेस लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर, लाइट को वो यूज़ करता था। टू बटन माउस, बीच पहले जो हैं ये टू बटन माउस भी थे, इसमें स्क्रॉल वाली व्हील नहीं हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ पे पहला वाला बॉल, यहाँ बॉल होती थी, ये बॉल के हेल्प से मूव करता था, इसीलिए इसको बॉल माउस बोलते थे। ऑप्टिकल माउस में लाइट जलती थी, यहाँ पे लाइट का हमें दिखता था कि लाइट जल रही है अंदर, तो उससे हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। ये एक माउस इस टाइप का पहले आता था, आजकल ये ज़्यादा दिखता नहीं है। इसमें सिर्फ टू बटन्स होते थे, राइट एंड लेफ्ट बटन, सेंटर में इसमें स्क्रॉल बटन नहीं होता था। इट हैज़ टू बटन, वन इज़ एट लेफ्ट एंड अदर इज़ एट राइट। ये बहुत सिंपल माउस था। देन थ्री बटन माउस भी आए थे। थ्री बटन माउस हैव थ्री बटन्स हैविंग वन बटन इन द मिडल। पहले जो ये है मिडल में बटन होता था, अभी वी हैव द स्क्रॉल व्हील होता है अभी इसमें। एंड द स्क्रॉल माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज माउस नाउअडेज। ये वाला जो माउस है आपके कंप्यूटर लैब में भी आपको सब जगह यही वाला माउस मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होती है एंड लेफ्ट एंड राइट में जो है वो बटन्स होते हैं, क्लिक बटन्स होते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा ये सारे टाइप्स ऑफ माउस थे। अब माउस का फंक्शन क्या है, पहले भी मैंने आपको माउस का फंक्शन बताया है, हम फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं माउस के बारे में। Working on a computer would become easier when we learn how to work with a computer mouse. Computer पे काम करना आसान हो जाता है अगर हम सीख लें कि computer के mouse के साथ कैसे काम करना है। Let us learn different functions using a mouse. चलिए हम अब अलग अलग function जानते हैं कि mouse के इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। Clicking, क्लिकिंग जो है ये पहला फंक्शन है माउस का। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग अ माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिकिंग। जब हम एक बार ऐसे हाथ प्रेस करके रिलीज करते हैं तो वो हमें क्लिक कहलाता है। अ क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। अभी यहाँ पे क्लिक किया, हमें कंप्यूटर का कुछ भी आइकन सिलेक्ट करना है तो हम उस क्लिक बटन से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Pressing and releasing the right mouse button once is called the right click. अब ये right और left दो keys होते हैं, इसमें दो buttons हैं, तो हम किस side का press कर रहे हैं? Right side का press कर रहे हैं तो that is the right click, और left side का अगर हम press करते हैं तो that is known as the left click. It opens the shortcut menu or a pop-up menu showing a list of options. जब हम राइट क्लिक पे प्रेस करते हैं तो एक मेन्यू, पॉपअप मेन्यू आता है जिसमें ऑप्शंस आते हैं। ये एक पॉपअप मेन्यू आता है, इसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपको क्या करना है, इसमें क्या रीनेम करना है, क्या डिलीट करना है, कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो वो ऑप्शंस आते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंगल क्लिक। नाउ डबल क्लिकिंग, जब हम माउस को ऐसे दो बार क्लिक करते हैं तो उसे डबल क्लिक बोलते हैं। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस विदाउट स्टॉपिंग और रिलीजिंग ओपन एन आइटम, इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिकिंग। जब हम दो बार क्लिक करके हम राइट या लेफ्ट में कुछ भी ओपन करते हैं तो उसे डबल क्लिक करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सिलेक्ट अ वर्ड और टेक्स्ट। इससे हम कोई भी शब्द और कोई भी टेक्स्ट जो हमें लिखना है वो भी हम डबल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग मतलब किसी भी चीज़ को खींचना, ड्रैग करना और छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। तो हम माउस पे क्लिक करके हम किसी भी चीज़ को उसको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ हमें ले जाना, फिर हम उसको रिलीज कर देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। मूविंग द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड इज कॉल्ड ड्रैगिंग। और लेफ्ट बटन प्रेस करके अगर हम माउस को मूव कर रहे हैं जैसा अभी मैंने आपको बताया तो उसे ड्रैगिंग कहते हैं।
and releasing the button to the place the moved icon to a new position is called dropping. और जब हम जिस भी आइकन को यहाँ से सपोज उसको लेफ्ट क्लिक किया माउस को और ड्रैग करके उसको मैं यहाँ लेके आई और यहाँ रिलीज कर दिया, तो ये आइकन यहाँ से यहाँ आ जाएगा. जहाँ मैंने उसको रिलीज किया दैट इज़ नोन एज ड्रॉपिंग. द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, और इस पूरे प्रोसेस को ड्रैग और ड्रॉप बोलते हैं. नाउ स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करना मतलब रोलिंग द स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस अप एंड डाउन इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग. जो सेंटर बटन है उसको जब हम रोल करते हैं अप डाउन तो उसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं. स्क्रॉलिंग द माउस मूव्स द पेज अप एंड पेज डाउन. स्क्रॉल करके हम किसी भी पेज में ऊपर और नीचे जा सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माउस. आजकल जो लैपटॉप आते हैं डेस्कटॉप पे तो आप माउस अलग से यूज़ करते हैं, माउस पैड यूज़ करते हैं, बट लैपटॉप पे इफ़ यू सी द सेंटर पोर्शन, ये टच पैड माउस होता है एक तरीके का, या टच पैड ही होता है जिसको आप फिंगर से ऑपरेट करते हैं. लैपटॉप हैज़ अ टच पैड, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू द माउस. ये माउस का ऑल्टरनेटिव है. इसमें भी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कनेक्ट द माउस, बट आप डायरेक्टली फिंगर से भी टच करके आप कर्सर उस पॉइंटर को कहीं भी ले जा सकते हैं. द टच पैड ऑफ अ लैपटॉप हैज़ लेफ्ट एंड राइट बटन्स. इसमें भी आपको एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन रहता है जैसे कि माउस में रहता है. अ टच पैड वर्क्स बाय सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर. और टच पैड क्या सेंस करता है, फिंगर का, यूज़र का जो भी फिंगर है उसके मूवमेंट से टच पैड जो है वो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल स्टैंडिंग नियर द कंप्यूटर. दिस इज़ डूज एंड डोंट्स, कि जब आप कंप्यूटर के पास खड़े हों लैब में तो एक दूसरे को पुश ना करें. ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ द एक्सरसाइज टू इवैल्यूएट योर सेल्फ. प्लीज़ डू द एक्सरसाइज, ट्राई टू डू द एक्सरसाइज सो दैट you can learn up that how much you can see that how much you have learnt in the chapter. Thank you.